तो हेलो मेरे क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके चैनल मनील सर पर, जहां पर आपको जीरो से हीरो बनाया जाता है। अगर आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और आप चाहते हो और भी अच्छी हो जाए, तो मेरे वन शॉट लेक्चर को फॉलो करो या मेरे जो शॉर्ट्स वीडियो है उनको फॉलो करो। चाहे वो 40 मिनट सीरीज हो, चाहे वो 50 मिनट सीरीज हो, चाहे वो 2 घंटे की सीरीज हो, बिलीव करो आपकी लाइफ में एक अलग ही चेंजेस आएंगे। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सीरीज भी चलाया है, जिसमें प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, उसको फॉलो करो और मजा आ जाएगा। और आगे मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक निचोड़ जिससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। तो बहुत कुछ आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो जुड़ सकते हो और मेरी किसी भी वीडियो को देख के आप पता लगा सकते हो मैं कैसे पढ़ाता हूँ। अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है तो आप मेरे केमिस्ट्री के वन शॉट लेक्चर फॉलो करो, 2 से 2.5 घंटे के लेक्चर है वो, कसम से कह रहा हूँ इतने गजब है, उसमें प्रीवियस ईयर सब कुछ है। अब काम की बात करते हैं, क्लास 12th वाइवा। अगर प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो होता है वाइवा, और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल फाइल। अगर मेरे क्लास 12th के बच्चों, अगर आपने प्रैक्टिकल फाइल को अपना बहुत बढ़िया से बना लिया प्रैक्टिकल फाइल, तो बिलीव करो चांसेस बहुत हाई है कि आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहला पॉइंट है, आपको प्रैक्टिकल फाइल को बहुत अच्छे से सजाना है। जैसे आप बचपन में फाइल्स को समझाते, क्या बोल रहा हूँ मैं आज, खाना नहीं खाया क्या? बहुत अच्छे से जैसे आपने प्रैक्टिकल फाइल को बचपन में सजाया था, वैसे ही आपको अभी भी सजाना है। एंड बिलीव करो बहुत बढ़िया नंबर आने का चांस है प्रैक्टिकल फाइल की वजह से। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दा है हमारा वाइवा। अगर हम वाइवा की बात करें ना, ध्यान से समझना, ध्यान से, वाइवा में क्वेश्चन प्रैक्टिकल से बहुत ही कम पूछा जाता है, या जो आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। मान लो आपको एक कंडीशन लेते हैं कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम बिल्कुल नहीं आता, आपको प्रैक्टिकल के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आपको प्रैक्टिकल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तब भी आप कैसे फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो? देखो, आपको मिलेगी एक टीम, एक ग्रुप मिलेगा, या हो सकता है कि सोलो आपको मिल जाए कि भाई खुद करो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको आता है या नहीं आता, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने एफर्ट्स कितना लगा रहे हो, आप अपनी मेहनत कितना लगा रहे हो, वो टीचर आपको नोटिस करेंगे। तो देखो, आना चाहिए, थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाओ जो भी आपको बताया गया टीचर ने, थोड़ा बहुत हल्का सा यूट्यूब से, इंटरनेट से, कहीं से भी हल्का सा जान के जाओ, वहां पर जाके ट्राई करो, अपनी मेहनत लगाओ, मेहनत लगाओ, कोशिश करते रहो, टीचर आपको नोट करते रहेंगे। और जो जो चीजें आप यूज कर रहे हो उनका नाम पता होना चाहिए, वो कैसे कनेक्शन हो रहा है ये सब आपको पता होना चाहिए। बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए हर चीज के बारे में, फिर आप बात करते हैं कि भाई वाइवा। वाइवा में जनरली प्रैक्टिकल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत ही कम चांस है कि आपको प्रैक्टिकल से क्वेश्चन पूछेंगे। तो सर, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? पहले तो बेसिक पूछ लेंगे कि भाई ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा एम क्या था, रिजल्ट क्या था, ये सब छोटी मोटी बातें पूछते हैं। उसके बाद जो मेन बात है, आपसे ऐसे पूछते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं, देखो 2-3 तरह के टीचर होते हैं, एक जो आपसे थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव करेंगे और बोलेंगे कि बताओ तुम्हें कौन सा चैप्टर आता है अच्छे से, तुम बोलोगे ये आता, तो उससे क्वेश्चन पूछेंगे 5-6 जितना उनका मन करेगा। अगर आपने 3 से 4 क्वेश्चन भी अच्छे से रिप्लाई कर दिया, ये थोड़ा बहुत अटकना नहीं है, अगर अच्छे से आपने रिप्लाई कर दिया, बिलीव करो आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलने के चांस है। अगर आपको चैप्टर नहीं आता, तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि सर इस चैप्टर में थोड़ा भी प्रिपरेशन मेरी वीक है, तो मैं इस चैप्टर के लिए नहीं, इस चैप्टर से मेरी स्ट्रांग है, तो इससे पूछ लो आप। तो आपको बताना है कि कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रांग है, अगर वो पूछेंगे, अगर लेकिन वो ना पूछे और आपसे क्वेश्चन गलत हो जाए, तो आप वो बताओ जो आपका स्ट्रांग चैप्टर है, तो एक ऐसा टीचर मिलेगा। दूसरा, बहुत सारे फ्रेंडली टीचर होते हैं जो ऐसे पूछ लेते हैं, भाई इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का ये क्या है, तो ऐसे टीचर भी मिल सकते हैं जिसमें सिर्फ आपसे क्या पूछे कि भाई चैप्टर का नाम बता दो, या बहुत कूल टीचर टाइप के मिलेंगे। तो अदरवाइज आपसे हमेशा एक ऑप्शन मिलेगा कि कौन सा चैप्टर आपको अच्छे से आता है। तो प्लीज आप 1 से 2 या 3 चैप्टर अच्छे से तैयार करें और वाइवा आपका अच्छा जाएगा। वैसे वाइवा आता कहाँ से? वाइवा थ्योरी से आती है। जो भी आपने थ्योरीज पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर से लेके 14 चैप्टर तक या 15 चैप्टर तक, जो भी आपने थ्योरीज अच्छे से पढ़ी है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बीच बीच में से कोई भी टफ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, तो ये बात अपने मन में रख लो। ये सब मुझे कैसे पता, अभी बच्चे वाइवा दे के आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वाइवा दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे जो दोस्त लोग रह चुके हैं, मैं खुद ही वाइवा दे चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है कि इतना भयंकर नहीं होता, डरने की कोई बात नहीं।